अस्सलामु अलैकुम मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट, आसान और बहुत कम सामग्री में बनने वाली अरबी मटन करी। अगर आपने मेरे तरीके से ये मटन करी एक बार बना ली, यकीनन आप हर बार इसे बनाना पसंद करेंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। अरवी और मटन करी बनाने के लिए ये हमने 250 ग्राम मटन लिया, इसको हमने धो के और पानी में डाल दिया। 250 ग्राम ही हमने अरवी ली है। ये देखिए इस तरीके की होती है ये, इसको हमें छील लेना, एक फिलर की मदद से इसको इस तरह से छील लें। सारी अरबी को हम इसी तरीके से छील लेते हैं। अरबी को हमने छील के और धो लिया है और इस तरह से काट लिया, यानी दो भागों में काट लिया। गैस के ऊपर हमने एक कुकर को रखा है। 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ये हमने कुछ खड़े गरम मसाले लिए, 10 से 12 काली मिर्चें, 4-5 लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 चम्मच जीरा ये डालेंगे। ये हमने 2 प्याज ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया, अभी ऐड करेंगे। प्याज को हमें हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज के अंदर हल्का सा ब्राउन कलर आ गया। 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया ये डालेंगे। 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का सारा कच्चापन निकल जाए। अब हम इसके अंदर 250 ग्राम मटन को ऐड करेंगे। मटन को अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसको हमें तब तक भूनना जब तक कि मटन का पानी नहीं सूख जाता। लगभग 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भूने। मटन को अच्छे से भून लिया है, मटन ने तेल छोड़ दिया है। ये हमने 2 टमाटर के अंदर 3 हरी मिर्च को पीस लिया था ये ऐड करेंगे। साथ में नमक भी डाल देंगे, ये मैंने 1 चम्मच लिया, आप अपने स्वाद के मुताबिक लें। इसको भी अच्छे से मिला के और भून लें। ये हमने कुछ सूखे मसाले लिए, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लें, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर है, इसको इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से भून लें। चार पाँच मिनट तक तेल छूटने तक मसालों को हम भूनेंगे। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, क्योंकि मटन की भुनाई हम जितनी ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा टेस्टी ये लगती है। मटन बहुत अच्छे से भुन गया है, सारे मसालों ने तेल छोड़ दिया। ये हमने 150 ग्राम दही लिया था, इसको अच्छे से फेंट लिया, अब ये डालेंगे। दही डालने के बाद गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर दें और स्लो फ्लेम पर ही इसको भूने, नहीं तो दही फट सकता है। अब हम दही को भी अच्छे से भून लेंगे। दही ने तेल छोड़ दिया, दही भी अच्छे से भून गया। 1 कटोरी जितना पानी ऐड करेंगे, लगभग 1/2 गिलास है ये। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, मीडियम फ्लेम पे लगभग 15 मिनट के लिए मटन गलने तक पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, इसकी पूरी स्टीम निकल गई है। मटन को चेक करेंगे, मटन लगभग 95% गल गया है। अब हम इसके अंदर अरवी डालेंगे, 1/2 कप के लगभग पानी डालेंगे। ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने देंगे। कुकर में 2 सीटी हो गई है। अब हम अरवी और मटन को चेक करेंगे, मटन और अरवी अच्छे से गल गए। 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 2 कटी हुई मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लें।
ये देखिए एकदम चटपटी टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनने वाली मटन अरवी की सब्जी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, मैं इसको आपको खा के बताती हूँ। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।